ये किसमें हिम्मत है कौन दाखिल हुआ। 15 मिनट ऐसा गर्व है जो अभी भी नहीं भर सका। सेकंड दे दीजिए आप, बिल्कुल 15 सेकंड दे दीजिए। आप क्या करेंगे, अखलाक का हाल करेंगे, जैसा मुख्तार को किया वही करेंगे। हैदराबाद में जुबानी जंग भारी चल रही है और तंज की तेज आरी चल रही है। कोई इशारा करके तीर चला रहा है तो कोई जुबान से बाण। बीजेपी सांसद नवनीत राणा के बयान से हैदराबाद का सियासी पारा बढ़ गया है। नवनीत राणा ने हैदराबाद में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन पर बयान दिया था। नवनीत राणा ने कहा कि अगर हैदराबाद में 15 सेकंड के लिए पुलिस हटी तो पता चल जाएगा कि दोनों भाई कहां गए। राणा का ये बयान अकबरुद्दीन की 2012 में हेट स्पीच का जवाब माना जा रहा है, जिसमें अकबरुद्दीन ने कहा था अगर 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दी जाए तो हम बता देंगे किस में कितना दम है। सोशल मीडिया पर नवनीत राणा का ये वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए नवनीत राणा का ये वीडियो। अब भाई पर हुए जुबानी हमले में बड़े भाई असद कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने नवनीत राणा के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा आप 15 सेकंड नहीं 1 घंटा ले लीजिए। उनका पूरा बयान आपको दिखा देते हैं। 15 सेकंड दे दीजिए आप, बिल्कुल 15 सेकंड दे दीजिए। आप क्या करेंगे, अखलाक का हाल करेंगे, जैसा मुख्तार को किया वही करेंगे, या पीलू खान या फिर अपना रकबर, बिल्कुल आप दे दीजिए। मोदी जी के पास अख्तियार है, दे दीजिए 15 सेकंड। 15 सेकंड ने बल्कि 1 घंटा ले लीजिए ना। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है। करिए, कौन डर रहा है, कौन डर रहा है, मैं हम तो तैयार हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी एक ऐसा नाम है जो अपने विवादित तकरीरों के कारण सुर्खियों में रहते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी के जिस जहरीले भाषण पर नवनीत राणा ने पलटवार किया वो भी आप सुन लीजिए। हिंदुस्तान हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है कौन दाखिल हुआ। कोई भी हमारा बाल भी बिंगा नहीं करता। और याद रखो, दुनिया उसी को डराती है जो डरता है, दुनिया उसी से डरती है जो डराना जानता है। क्या है अकबरुद्दीन ओवैसी से नफरत क्यों है? 100 सुनार की तो 1 लोहार की। 15 मिनट ऐसा जर्ब है जो अभी भी नहीं भर सका।